नागपुर शहर में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते पुलिस विभाग भी धीरे धीरे इसकी चपेट में आते जा रहा है। अब तक कोरोना के 1386 वॉरियर्स पुलिस कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से कुल 15 पुलिस ऑफिसर की मौत हो चुकी है। यहां तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पुलिस कर्मियों के लिए बेड नहीं है, जिसके कारण पुलिस विभाग ने अपना कोविड सेंटर रेडी किया। एडवांस सुविधाओं से लैस यह सेंटर बन जाने से पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को काफी राहत मिल सकती है। शहर के पुलिस आयुक्त अमित कुमार के आदेश पर डीसीपी क्राइम ब्रांच गजानन राजमाने और पुलिस वैद्य के अधिकारी डॉक्टर संदीप शेंडे ने पुलिस हॉस्पिटल में 5 दिनों के अंदर कोविड सेंटर का निर्माण किया। पुलिस हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर में टोटल 16 बेड की फैसिलिटी की गई है, जिसमें 3 बेड कैजुअलिटी और 13 बेड आईसीयू में रहेंगे। इसके अलावा 2 वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की नई सेंटर लाइन तैयार की गई है। मरीजों के उपचार में किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आए, इसलिए अतिरिक्त स्टाफ हायर किया गया, जिसमें एक फिजिशियन, 2 PMS डॉक्टर समेत 16 लोगों का स्टाफ पेशेंट्स की सेवा में दिन रात लगा रहता है। वर्तमान में B और C कैटेगरी के पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में बेड की समस्या से टाइम पर इलाज नहीं मिलने के कारण कई लोगों को घर में ही मौत हो रही है। ऐसा ना हो इसलिए B श्रेणी के सर्दी खांसी बुखार वाले मरीजों और C श्रेणी में आने वाले क्रिटिकल कोविड मरीजों को सेंटर में उपचार दिया जाएगा। इसके बाद प्राथमिक इलाज के बाद अन्य हॉस्पिटल्स में बेड मिलने पर उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फोन करने पर उन्हें बेड उपलब्ध होने की जानकारी मिलती है, लेकिन 3 से 4 घंटे यात्रा करने के बाद नागपुर पहुंचने तक बेड फुल हो जाते हैं। ऐसे में संक्रमित और परिवार को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी बात को नजर में रखते हुए विदर्भ के किसी भी पुलिस कर्मी और उसके परिवार को पुलिस कोविड केयर सेंटर में निःशुल्क उपचार देने की फैसिलिटी की गई है। और तो और सिर्फ नागपुर की नहीं बल्कि विदर्भ के किसी भी जिले से आने वाले कोरोना पीड़ित पुलिस कर्मी का इलाज किया जाएगा। कई पुलिस कर्मी अकोला, अमरावती, यवतमाल से शहर में इलाज करवाने आते हैं। नागपुर शहरात जे संक्रमण कोरोना संक्रमण चे प्रमाण वाढलेले आहे आणि त्याचबरोबर अंदाजन आमचे 10% चे वर लोग, अंदाजन 1000 पुलिस कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबियांचे लोग संक्रमित झालेले आहे आणि काही 15 लोकांची मृत्यू पण झाली होती आणि बेड्सची कमतरता नागपूर शहरात भासत होती। म्हणून डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स शक्य आहे का आणि ते तयार व्हायला पाहिजे अशी इच्छा माननीय गृहमंत्री साहेबांनी व्यक्त केली होती मागच्या आठवड्यात ज्यावेळी ते नागपूर शहरात आले होते। आणि त्यासाठी आम्ही इमिजिएटली नियोजन करून त्यामध्ये जे खर्च आहे ते माननीय पालकमंत्री महोदयांनी ते पुरवण्यात येईल अशी त्यांनी आश्वासन दिले। म्हणून आम्ही इमिजिएटली त्यामध्ये ऑक्सिजनची पाईपलाईन, ऑक्सिजन सिलेंडर्स, बायपॅप मशीन, आयसीयू मॉनिटर्स आणि इतर जे काही एअर कंडिशनर्स अशी जे काही सोयीसुविधा गरजेची होती ती आम्ही तयार केली। इथे शहराचे मेयो हॉस्पिटलचे डीन किंवा 7-स्टार हॉस्पिटलचे डिरेक्टर्स, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटलचे डिरेक्टर्स जे या कोविड जे हॉस्पिटल्स बरेच दिवसापासून रन करत आहेत त्यांची आम्ही सजेशन्स घेतली आणि जी जी काही गरज होती ती या हॉस्पिटलमध्ये तयार करण्यात आलेली आहे। ही प्रमुख्यतः एक ट्रान्झिट फॅसिलिटी म्हणून वापर करण्यात येईल। ज्यावेळी कर्मचाऱ्यांना बेड्सची गरज होईल आणि बेड्स बाहेर उपलब्ध नसतील तर लगेच त्यांना इथे ॲडमिट करून त्यांना स्टेबलाइज करण्याची हे मेडिकल ट्रीटमेंट देण्यात येईल आणि ज्यावेळी मल्टी स्पेशालिटी ट्रीटमेंटची गरज पडेल ते लगेच त्यांना मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल्समध्ये बेड उपलब्ध करून तिथे त्यांना शिफ्ट करण्यात येईल। यामध्ये आमच्याकडे ॲम्ब्युलन्सेस पण उपलब्ध आहेत, 2 ॲम्ब्युलन्स डॉक्टर्स आयसीयू ॲम्ब्युलन्सेस आहे, जेणेकरून त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट करायची गरज पडल्यास तर आम्ही त्याचे वापर करणार आहे। एकंदरीत पोलीस कर्मचाऱ्यांना हे मनोबल वाढण्याची दृष्टिकोनातून आणि त्यांना विश्वास देण्याची ही गरज होती की आम्ही लीडरशिप म्हणून त्यांना उत्तम मेडिकल सेवा उपलब्ध करण्यासाठी वचनबद्ध आहे। ही आम्ही आमचे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबांना ही या अशा प्रकारचे कृत्यामुळे त्यांना आश्वासन देत आहे, कारण ही पूर्ण कोविड युद्धमध्ये त्यांना ड्युटी करावाच लागणार आहे, त्यांना फोरफ्रंटमध्ये ड्युटी करावा लागणार आहे। म्हणून त्यांचे व्हल्नरेबिलिटी पण जास्त आहे, त्यांना इम्युनिटी बूस्टर मेडिसिन्स जे आहे ते आम्ही पुरवत आहे। तरी पण जर कोरोनाची संक्रमण झाली तर त्यांना उत्तम मेडिकल सेवा मिळावी या उद्देशाने ही हॉस्पिटल सुरू करण्यात आलेली आहे। मला विश्वास आहे की एक याची ही सक्सेसफुल राहील। धन्यवाद।